নিবিড় সম্পর্ক সে গভীর সম্পর্ক সে নিবিড় সম্পর্ক সে গভীর সম্পর্ক রহি থাও প্রভু তুম সঙ্গে আম রহি থাও প্রভু তুম সঙ্গে আম পবিত্র সম্পর্ক সে অতুট সম্পর্ক 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 জাগতিক প্রেম অটে মূল্যহীন তুম প্রেম মহিয়ান সেই প্রেম আজি পাইথিবা হেতু মনুছু নিজকু ধন্য বিশ্বস্ততাম রহিব জীবনে যেবে হইয়া বিছিন সঙ্গে হেব তেবে সিনা প্রভু তুম সঙ্গে হেব চিরস্থায়ী সম্পর্ক 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 প্রিয় দর্শক বন্ধু নমস্কার, মু আইরিন সম্পর্ক ডিজিটাল মিডিয়া দ্বারা প্রস্তুত এই বিশেষ কার্যক্রম অনুভূতির পদে মধ্যকু আপন মানকু স্বাগত করুছি। জীবনটা বিভিন্ন অনুভূতিরে পরিপূর্ণ, সান হেউ কিংবা বড় হেউ, শিক্ষিত হো কিংবা অশিক্ষিত হো, প্রত্যেক জীবনের বিভিন্ন অনুভূতি থাকে। আমি সেই অনুভূতিগুলি মনে রাখু যা আমার জীবনকে বেশ প্রভাবিত করে থাকে। জীবনের যে ঘটনাগুলি ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন হাত থাকে সেই ঘটনাগুলি আমার জীবনকে নিয়ারা অনুভূতিরে পরিণত করে। সেইপরি অনুভূতি মধ্য দিয়ে গতি করে কিছু ব্যক্তিবিশেষক নিয়ার অনুভূতিকে নিয়ে এসেছি সম্পর্ক ডিজিটাল মিডিয়া দ্বারা প্রস্তুত এক মনছুয়া কার্যক্রম অনুভূতির পদে। আজ আমার সম্পর্ক স্টুডিওরে অনেক সম্মানীয় অতিথি, তেবে চালন্তু
देखिबा आजिर विशेष कार्यक्रम अनुभूतिर पदे। दर्शक बंधु नमस्कार, अनुभूतिर पदे कार्यक्रमर आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानको स्वागत करुछि ममता। सामाजिक मनुष्य निजर पारिवारिक और कर्ममय जीवन को सुचारू रूपे परिचालित करिबा द्वारा चेष्टा कला बेले अनेक समस्या घात प्रतिघात दे जीवा को पड़ता है। ता सहित से जदि अन्य मानकर समस्या को निजर भावी से सबको मध्य समाधान करने को प्रचेष्टा करे एवं से जो सफलता पाए ता जीवन में नुआ नुआ अनुभूति सब जोड़ी हो जाए। यहपरी कि अनुभूति आम मानक बांटापी आम मानक उपस्थित अच्छा अतिथि अवसरप्राप्त शिक्षयित्री श्रीमती प्रभावती दास जीवनर यहपरी कि अनुभूति शुणा। श्रीमती प्रभावती दास खड़गपुर ठारे नवेम्बर 4 तारीख 1948 जन्मग्रहण करते निजर समस्त शिक्षा और ट्रेनिंग कटक शेष कर 1970 कोरापुटर कोटपाट ठारे गवर्नमेंट गर्ल्स हाईस्कल आसीस्टेंट टीचर भाव दायित्व ग्रहण कले। दीर्घ 36 वर्ष शिक्षयित्री भाव निजर कार्यभार सुचारू रूपे परिचालना कलापर यूनिट 6 गवर्नमेंट गर्ल्स हाईस्कल भुवनेश्वर 2006 अवसर नहीं थिले। से स्वर्गत सुधांशु कुमार दास को विवाह करथिले। आमे तांकु आमर संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क चैनल तरफ प्रस्तुत अनुभूति पदे कार्यक्रम को आपणक स्वागत करुछि। नमस्कार श्रीमती प्रभावती दास, आपणकर उपस्थिति आमर अनुभूति पद कार्यक्रम आम मानक खूब आनंद देछि। आउ आपण आसीथिबारु मु सेथिपई आपनकु धन्यवाद दउछि। आपणकर अनुभूति तो अनेक किंतु प्रथमे जानिबाकु चाहिबो आपण आपणकर जीवन यात्रा प्रभु जीशु सहित किपरि आरंभ कले। प्रथमे प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु एत सुंदर अवकाश मत दे मते ये सुंदर अनुभूति पदे कहिया पई सुजोग दे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मध्य भी मु धन्यवाद जनाए। आउ मोर जीवन रे 1967 जुलाई 2 तारिख रे मु प्रभु को विश्वास करी प्रभु को मो जीवन रो व्यक्तिगत परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी जल रे बाप्तिस्मा ने प्रभु को सहित चालिबा आरंभ कली। आपण आत्मिक जीवन रो अभिवृद्धि पई क्यों मानक ठारु आपण प्रेरणा पाइथिले? प्रथमे मोर पारिवारिक जीवन रे मामानकर मोर स्वामी बर्तमान स्वर्गत सुधांशु कुमार दास सीए मते तांकर प्रेरणा देथिले परिवार रे किपरि पिलामानकर आदर्श हेबी पिलामानको केमति ईश्वरक वाक्य रे प्रशिक्षित करिबी एहाई से मते आगे सेथिरे चालना देथिले मते प्रस्तुत करुथिले पिलामाने जेपरि आउ से आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाइबे। आउ से प्रेरणा मु प्रथमे परिवाररु स्वामीक पाखरु प्रेरणा पाइथिलि। द्वितीयरे मांडलिक भावरे मध्य प्रभुंकर दासमानकर मुखरु प्रभुंकर मुख निसृत वाक्य शुणि मु आत्मिक जीवनरे मध्य आगकु बढ़ी पारिछि। तृतीयरे माँ मानकर सभारे जोग देइ माँ मानकर समस्तक पाखरु ईश्वरंकर मुख निसृत वाक्य शुणि आउ मु प्रभुंको आगकु बढ़िबा पई प्रभु मते सुजोग अवकाश देइछन्ती। एहा सहित मध्य शिक्षा क्षेत्र रे बाल्य कालरु माँ को हरेइथिबारु जेतेबेले मु हॉस्टल रही पाठ पढ़ला बेले मिशनरी मानक संस्पर्श रे आसीबा फल रे एवं शिक्षयित्री मानकर तांकर अध्ययन समय रे तांकर आत्मिक जीवन रे आमानकु बलिष्ठ करछन्ती मते अनुप्राणित करछन्ती प्रेरणा देइछन्ती। सेथि पाइका मध्य भी मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद देथाए। स्वर्गत सुधांशु कुमार दास जदियो से सरकारी डाक्तरखाना रे से कार्यरत थिले तथापि सेथुरु अधिक समय से प्रभुंक सेवारे से कौन करते समय काटुथिले अनेक मंडली को जाई आ प्रभुंकर वाक्य बीज अन्य मानक निकट रे बांटुथिले। तेणु से प्रेरणा रे आमाने आज आत्मिक जीवन रे आगक बढ़ी पारिछु। आउ एहा सहित मो जीवन रो प्रथम आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट होउछन्ती आदर्श मु तांको प्रथमे आदर्श रूपे ग्रहण करिसि कारण तांको मु आदर्श मने करिथिबारु ग्रहण करिथिबारु प्रत्येक पदक्षेप परे से मो संगरे मध्य रहिछन्ती। आपण विभिन्न स्थान रे कार्य कला बळे प्रभु जीशु को निज जीवन रे स्थान देई किपरि तांकर साक्षी भाबे आपण ठिया हेथिले?
ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ସମୟରେ ତଥା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅବସର ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଏହା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଯେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ଏହା ନିଜେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନଟି ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୌରଭାର୍ଥକ ସୁଗନ୍ଧି ସଦୃଶ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମତର କେତେଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକି ଜୀବନ୍ତ, ତାହା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ନାମ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା, ଡାକ ନାମ ମିଲି। ମୁଁ ତାର ଆତ୍ମିକ ମା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଘରେ ଉପାସନା ହେଉଥିଲା। ଆମ ଘରେ ସେ ଉପାସନାକୁ ଆସନ୍ତି, ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆତ୍ମାରେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ କ୍ଷୁଦିତ ତୃଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଦିଦି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ କିପରି ଉପାସନା ଗୃହକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରିକ୍ସା ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟକୁ ଯାଏ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରିକ୍ସାରେ ନେଇ ଆଉ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯାଏ। ସେ ଉପାସନା ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ସେ ଶୁଣେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲା ଯେ କିପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତର, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନନା ବୋଉ ପଚାରନ୍ତି, ମିଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ତା'ର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭା ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରଭା ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଘରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ବାରି ପଛପଟେ, ନନା ବୋଉ ଯେପରି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାରି ପଛପଟେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ସିଏ ଛଟପଟ ହେଲା ପରି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯାଉ ପାଳକ ମହାଶୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତା ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଲା, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା, ସେମିତି ଓଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବସିଥିଲା। ଆଉ ଏକାଥରେ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ପୁଣି ତାକୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ନେଇ ପୁଣି ରିକ୍ସାରେ ଘର ପଛପଟେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭା ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ଆହୁରି ସାକ୍ଷ୍ୟ, କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ତା'ର ସାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜୟକୁମାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଯାକୁବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ସେ ପୁଅ ସେଠି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲା। ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସେହି ପରିବାରର ମିଲିର ନନାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ, କହିଲେ 13 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବ। ମିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା'ର ଆତ୍ମିକ ମା, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ମା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଦିନ କାଟନ୍ତି, ମା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି କହିଲା, ଦିଦି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବି, ମୋର ନନାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେବ,
आउ नन्ना बहु भोनी माने भाई जदि समस्ते एकाठी मिसिके बसिले ताले से माने प्रभु रे विश्वास करिवे प्रभु जे प्रार्थना सुनी उत्तर दियंती कथा कहंती आश्चर्य कार्य करंती एहा से माने जानिबे आपण आम घर को आसंतु आपण आम घरे आमे एकाठी प्रार्थना करिले से माने प्रार्थना रे जोग देबे आ प्रभु निश्चित आश्चर्य कार्य करिवे बिना अस्त्र प्रचार रे नन्ना सुस्थ हेबे कारण नन्नाकर डायबिटीज थिला आउ तांकर प्रेशर मध्य थिला आउ जते दिन डाक्टर कहिले 13 दिन भीतर आसिया पई आ माने प्रार्थना रे लागि रहिथुलु तांकर परिवार सह आउ जते बेले से 13 दिन भीतर जते बेले पुणी हैदराबाद को गले चक्षु अस्त्रोपचार करिया पई सेही डाक्टर तांकु देखिले डाक्टर तांकु कहिले मु पर आपन को कहिथिली ऑपरेशन हबो बोली अरे आपन को आखी तो केते सुंदर भल होई जाइसी आपन को आखी तो नॉर्मल होई जाइसी आ कोन अस्त्रोपचार हबो किछ आवश्यक नहीं आउ से स्थान रु जते बेले तांकर नना फेरी आसिले पुणी मिली मो पाखु आसिला दीदी आपन आसंतु आउ प्रभु को आमे समस्ते सपरिवार प्रभु को धन्यवाद दबा प्रभुंर गौरव हो प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे प्रार्थना शुणी तांको परिवार रे आज मिलीर विश्वास द्वारा से परिवार रे अनेक साक्ष्य रखिचंती एवं सेथिपाय मु धन्यवाद सहित आउ एक साक्ष्य के तुलसी राव को पाई देबी आउ स्वर्गत सुधांश कुमार दास के तुलसी राव रा आत्मिक बापा जतबेले आम संस्पर्श रे आम परिवार जतको तुलसी भाई आसिले आउ आमान को से तांको बापा बोली डाकिले आत्मिक बापा हिसाब रे सुधांश भाई तांको बहुत प्रभु कर शिक्षा देचंती आ प्रभु तांको मध्य आत्मा रे उद्दीप्त प्रदीप्त करचंती आ सुधांश भाई मध्य किपरि से आगो को बढ़िबे आ परिवार रे किपरि मध्य समस्ते जानिबे आ सेथि पई से दायित्व आत्मिक बापा परि स्वर्गत सुधांश भाई से दायित्व नैथिले तांको सहायता रे से प्रभु को विश्वास करथिले एवं से विश्वास रे आगो को बढ़ी प्रभु को तांको जीवन रे परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी बाप्तिस्म यूनियन चर्च रो मंडली रे से ग्रहण करथिले एवं वर्तमान भिन्न भिन्न स्थान रे मध्य सेवार कार्य मध्य के तुलसी राव भाई मध्य करंती आउ एक साक्ष्य से माने अन्य धर्म मतर से आम परिवार को जते बेले आसे आम परिवार आमान को जागतिक बापा मा बोली आमान को डाके आमानकर उपासना रे से जोग दिए प्रभुंकर शिक्षा ग्रहण करे विश्वास करे एवं आत्मा रे आहुरी सुदृढ़ हवा पई तार आग्रह प्रकाश करे आउ सेते बेले जतो से अधिक विश्वास रे बढ़िबा को लागिला आउ सेते बेले क्रिस्टोफर महाकुड़ आमर पास्टर थिले जहां को धीरु भाई बोली डाकंती से तांकर उपदेष्टा हेले से ताकु मध्य भी आत्मिक शिक्षा देले एवं मध्य से शिक्षा परे आउ से धीरु भाई को दायित्व रे से प्रभु को विश्वास करी ता जीवन रे व्यक्तिगत परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करी आउ से जल रे बाप्तिस्म नै वर्तमान प्रभु रे रही मेजर मध्य से अंशी हे परिवार रे अन्य मान जे परी समस्त जेमती प्रभु रे रहिबे आगो को से वृद्धि पाइबारे लागिसि प्रभुंकर गौरव हो एहा सहित मोर जो शिक्षयित्री माने मो सांगरे प्रार्थना रे बसुथिले सेमानको जीवन अनेक साक्ष्य से माने पाइचंती अनेक उत्तर पाइथिबारु उपासना रे जोग दियंती वाक्य शुणती एवं पालक महाशय मानक सहित साक्षात करती तांकर साक्ष्य मध्य लेखिकरी आ मंडली रे प्रभु किपरि उत्तर देइचंती ताहा मध्य प्रकाश करती नैवेद्य मध्य दियंती प्रभुंकर गौरव हो एबे से लॉकडाउन समय रे सीए मार्च मासरु मार्च 17 परे ठुरु से आसी पारु नहंती किंतु ता पूर्वरु प्रत्येक बुधवार दिन पटियारु से आसंती आम घरे प्रार्थना करि से जांती ता सहित पटियार आर पार्श्वे आउ जने दीदी भी मध्य अछंती से आम स्कूल असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस थिले आर वर्ष 19 मसिया सेप्टेम्बर 23 तारिख रे जेते बेले आपोलो हॉस्पिटल रे कार्डियोलॉजिस्ट पीके साहू को द्वारा तांकर हार्ट ऑपरेशन हेबो बोली सेप्टेम्बर 19 रे आपोलो हॉस्पिटल आईसीयू रे थिले कारण से प्रार्थना मध्य मो संगरे करूथिले आउ पिला मन जत्ते बेले कहिले मम्मी प्रभा दीदी आसीचंती बाहर अछंती ना भीतर को तांकु पठाओ से आसीबे मो पाखरे प्रार्थना करिवे आउ 17 बळु को ऑपरेशन हबो से माने गाड़ी पठेइथिले मते संगरे नैथिले आउ से स्थान रे जाई आपोलो रो आयुष भितरे प्रार्थना करिवार प्रभु मते सुजोग देइथिले प्रभुंकर गौरव हो कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे सबु बेळे आमो पाखरे थांती सेते बेळे थिले एबे भी अछंती
जीवित अच्छा उत्तर दौंस संगरे रोचान्ति प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आते बड़े तापर दिन एगारटा रु साढ़े एगारटा घर लोक परिदर्शन करने को विजिटिंग टाइम थाए मत पिला कहे मौसी आपण टे एगारटा पूर्व आसबे आपण आगे जाए आउ मम्मी पाखे आपण देखा कर आसबे स्वामी जो को आगे गले स्वामी जो कहले प्रभा दीदी आसचंदी बाहर अच्छा भितर को पठाओ से आसबे प्रेयर करेंगे मुझे बड़े भितर को गली आईसी भितर को गली एगारटा बेलू सेत बेलू मु जाणना मो पछे पछे से पिके साहू को मु देखनी किंतु जीशु डाक्तर बापा को जानी जो जीशु डाक्तर बापा नित्य नवेदन समस्त करूँए आउ से जीशु डाक्तर बापा प्रार्थन प्रभु तक अस्त्रोप्रचार कर विश्वास जो से कह दीदी को डाकतु मो पाखे प्रार्थना करेंगे मो पछे पछे डक्टर से जी अपरेसन करते जाने ना बिके साहू जड़े डक्टर जड़े सिस्टर आउ से बेड पाखे ठिया होती मुझे सागे दीदी को कहली दीदी आ देखु डक्टर राउंड आसिले सिस्टर भी सांगे अच्छा मुमती एवं प्रेयर करी मुझे भारी पर करी से कहे ना ना से मैंने था कम पछे करेंगे आपण आगे प्रेयर कर दिंतु आपण आगे प्रेयर कर दिंतु ताम से करेंगे प्रभुंर गौरव हो समय से डाक्तर आई सिस्टर जी समय प्रार्थना है से बेड पाखे से माने उपस्थित रही कारण मो जीशु डाक्तर बापा पाखे जीवंत परमेश्वर पाखे प्रार्थना मु करी आन प्रभु जीशु ख्रीष्टर नाम कान पड़ा जीशु डाक्तर बापा जे अस्त्रोप्रचार करीशु डाक्तर बापा जे सुस्थता देखते विषय मध्य कान पड़ा आ प्रभु जे प्रार्थना शुणी उत्तर देखा कान पड़ा से समय तक प्रार्थना थिला बेले से माने मध्ये उपस्थित रहिले प्रार्थना समस्त शुणिले प्रभु को मु धन्यवाद दे फेरिला परे तांको कार्य से माने करिले मो जीवन रे प्रभु से अनुष्ठान रे थिबा भितरे शिक्षा अनुष्ठान रे साक्ष्यमय जीवन मते देथिले एबे अवसर नै गला परे भी मध्य फोन माध्यम रे से माने जो माने प्रभु को ठारु उत्तर पाइचंती आ से माने फोन माध्यम रे वर्तमान मो संगरे से फोन रे प्रार्थना माने करी थाओ उत्तर पाइला परे से फोन रे प्रभु को धन्यवाद दे थाओ कारण प्रभु जिसा 65:24 पदरे कहिचंती पुणी एहा घटिबो जे तुमे डाकु डाकु आमे सुनिबो तुमे कथा कहु को आमे उत्तर दबो से जिसा 58 पर्वर 9 पदरे ईश्वरकर वाक्य रे लेखा हिची तेतेबेले तुमे डाकिबो आमे तुमको उत्तर दबो तुमे आर्तस्वर करिबो आ सदा प्रभु कहे आम उपस्थित अच्छु प्रभुंर गौरव हो दर्शक बंधु बर्तमान आम एक विरतिर समय विरति पर पुणी थे आम मैंने फेर आम कार्यक्रम अनुभूति पदे को दर्शक बंधु बहुत समय है आम गोटे छोट विरति नवा पुणी आउ थे फेर प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार मु संजोग संपर्क डिजिटल मीडिया द्वारा प्रस्तुत अमर बार्ता कार्यक्रम मध्य आपण समस्त स्वागत करूछि प्रतिदिन आम अनेक बार्ता शुणी था केतेक बार्ता आमको विचलित ओ विव्रत करे केतेक बार्ता आम मनरे भय ओ संशय जात करे आउ किछि कथा द्वंद सृष्टि करे हेले अमर बार्ता से सबुरु भिन्न कारण ताहा आमर परमेश्वरंकर बार्ता अटे से कथा कहंती आउ ताहांक वाक्य रे जीवन अछि संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करी एक विशेष कार्यक्रम अमर बार्ता एही कार्यक्रम रे आपण जीवित परमेश्वरंकर जीवंत वाक्य शुणा को पारे देखा भूलिबे नाही यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स रे प्रति शनिवार संध्या 7:45 समय रे मु किए मु काहेकि ए धरा पुष्टर अछि जीवन रे बंचिवार उद्देश्य कोन सीमित जीवनटा कौन ए धरापृष्ठ से शेष हो जाए ना मृत्यु परे आउ किछि अछि जीवन यात्रा पथरे अग्रसर हेला बेले एपरी अनेक प्रश्न आम मन मधुर उंकी मारे किछिटा प्रश्नर उत्तर मिलिथिया बेले आउ किछि प्रश्न प्रश्न हेकि रहि जाए आउ किछि अबुझा रहि जाए जहाँकि आमर मन को बारंबार आंदोलित करिथाय जीवनर एहिपरि किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर आविष्कार करिबा प्रयासरे संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करिछि
एक विशेष आकर्षण कार्यक्रम स्पष्ट कथा देखा भूलबेनि यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित संपर्क डिजिटल नेटवर्क रे प्रत्येक मंगलवार संध्या 7:45 रे। दर्शक बंधु विरती पर पुणी आपण मान स्वागत करमर विशेष कार्यक्रम अनुभूति पदे को आपण एत सब प्रक्रिया दे गला बेले कौन सी बाधा विघ्न सम्मुखीन ही ना हाँ जोबले प्रभु कार्य आगे गले सत को अनेक बाधा विघ्न आसी थाए अनेक समस्या भी आसी थाए कि जेहेतु प्रभु को मो जीवन मु प्रथम स्थान दे आदर्श मन करेणु से समस्या से बाधा विघ्न सबू मोपाई जटिल ना सामान्य बोली मुने कारण प्रभु मो संगे थे प्रभु मत से शक्ति दौले आ प्रभु मत साजुले प्रभु मत सहायता दौले आ प्रभु मत सर्वसंकट रु उधार करुले एपरी कौन सी परिस्थिति जहाँ जहीं सदा प्रभु हस्त आपड़ देखी आईटा आपन को आश्चर्य पर लगे हाँ बर्तमान मध्य भी आश्चर्य चकित मुए कारण प्रत्येक पदक्षेपर प्रत्येक परिस्थिति जोबले प्रभु सहित पाद मिसे चलला बेले प्रभु कथा अन्न मान को कहला बेले निश्चित अनेक बाधा अनेक समस्या आसी थाए कि प्रभुंर सहायता मो संगे थाए प्रभु उद्धार कर प्रभु सब अवस्था मत साई मु सब अवस्था प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मु धन्यवाद जन परवर्ती पीढ़ी को आप कौन कह चाहती परवर्ती पीढ़ी की मु मो जीवन रु मोर अनुभूति जहाँ पाई मुक जाने से परवर्ती पीढ़ी से प्रभु जीशु को ख्रीष्ट को जीवन में प्रथम स्थान देवे ताहले मुख्य स्थान देवे आदर्श मन करे बाध्य भय करे वाक्य को पालन करे वाक्यर वाक्य को हृदय मध्य संचय कर रखे कारण से प्रभु जीशु ख्रीष्ट होती आमर जीवंत परमेश्वर से आम बुद्धि सगर ज्ञानर भंडार से बुद्धि रूप द्वार ज्ञान रूप द्वार खोली दिंती तेणु से आगामी पीढ़ी को मु शिक्षा दिए जे से माने प्रभु को प्रथम स्थान मुख्य स्थान दिंतु ताहले निश्चित आ प्रत्येक समय सब अवस्था आशीर्वाद पाइबे आपण कर्ममय जीवन पुणी आपणकर अन्य मानक एते प्रकार साहाज्य जहाँ सब आप करुथिले सेथिरे आपण को परिवार आपण किपरि साहाज्य करथला परिवार रे मते से माने केबे हेले निरुत्साहित करिनांती कारण जो परिवार को से माने आसंती आ प्रार्थना रे आसंती आ सेथिपाई का मते से माने कहंती जाय के आगे के ना जाओ तुम्हें प्रार्थना रे जोग दियो मौसी आसीचंती तुम पिला मन छात्री माने आसीचंती आ केहि मते बाधा देई नांती किंतु मते आग्रह प्रकाश करचंती स्पृहा देचंती आ मो आत्मिक जीवन आग को बढ़िया पई मो शक्ति मध्य पाइछि तेणु प्रभुंकर मध्य मो गौरव करे कारण ए प्रेरणा ए आदर्श स्वर्गत सुधांशु कुमार दास मते ए शिक्षा दे के जाइथिले तेणु प्रथम स्थान प्रभु को दबो पिला मान को शिक्षा दबो एवं आ सब क्षेत्र रे आ तुम्हें जदि प्रभु को आगे रखिबो प्रभु तुम संगरे रहिबे प्रभु तुमको साहाज्य करिबे जो पवित्र आत्मा परमेश्वर से जीवंत ईश्वर से कार्य साधक से कार्य साधन करिथांती से संगरे रहंती से साहाज्य करंती पीढ़ी के मध्य ए आदर्श मु दौची प्रभु को मुख्य स्थान देबे प्रभु को बाध्य हेबे प्रभु को भय करिबे एवं प्रभु को प्रेम करिबे प्रभु को प्रथम स्थान रे रखिबे ताहले प्रभु समस्त ज्ञान बुद्धि सबकिछ देबे आउ सब अवस्था रे सब आशीर्वाद रे पूर्ण करिबे शेषरे आम दर्शक बंधु मान को आपण कौन कहिबा को चाहंती मो जीवन रे मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रथम स्थान देथिबारु मु तांको जीवन रु जहाँ शिखिली एवं प्रभु दास मान ठारु प्रभु मुखनिश्र वाक्य रु जहाँ जाणिली जहाँ ग्रहण करिली तेणु मु मध्य आज दर्शक बंधु मान को ए गोटे प्रेरणा दिए शिक्षा दिए जे प्रभु को प्रथमे मुख्य स्थान देबे प्रथम स्थान देबे तांको आदर्श रे रखिबे ताहाले प्रभुंकर शिक्षा तांको निश्चित साहाज्य करिबो एवं प्रत्येक पदक्षेप रे आउ सेमानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट आशीर्वाद युक्त करिबे आपण तो 2006 रु रिटायर करलेनी वर्तमान आपण से कार्य करुछंती ना किपरि आपणकर समय आपण बितौछंती जेतेबेले कार्य करुथवा समय जेतिकि समय मु देई पारु नथिली
एबे अवसर परे उपासना गृह को रविवार जाऊथिली किंतु एबे प्रभुंकर महा अनुग्रह रे प्रभु आमानकु किपरि घरे बसी अन्यमानक पई अन्यमानक निकट सुसमाचार पहुँचिया पई अन्यमानक निकट से बीज बुणिबा पई तुम्हें जो साक्ष्यमय जीवन काटुच अन्यमानकु से साक्ष्य दबा पई प्रभु आमानकु आउ मते ए अवसर समय रे सेई पुरणा शिक्षयित्री माने छात्री मानकर आउ तत्वधर से माने फोन माध्यम रे मो सहित प्रार्थन रे रही प्रार्थना आम करुचु फोन रे एवं उत्तर पाइला परे से माने पुणी कहउचंती आउ प्रभा दीदी आसंतु प्रभु को धन्यवाद दबा प्रभु कारण आमन को उत्तर देचंती प्रभु आमन को सहाय्य करचंती प्रभु आमन को सहित अछंती प्रभु आमन को कथा कहिचंती तणु मु से कार्य रे मु विरत हेना किंतु कार्य को आहुरी त्वरान्वित करी आहुरी से साक्ष्यमय जीवन बहन करी मु एबे पर्यंत चालू अछि प्रभु को सहित पाद मिसे श्रीमती प्रभावती दास आपन को मु विशेष धन्यवाद देवी आपनकर अमूल्य समय दे आ मानकर ई कार्यक्रम अनुभूति रो पदे को आसिले आसी आपनकर मूल्यवान आ जीवन रो अनेक अनुभूति आमन को सुनाइले जहाँ कि आमन मध्ये बहुत उत्साह देछि सेतिपई मु आपन को विशेष भाव धन्यवाद दिए आउ आशा करे आमर दर्शक बंधु मानकु मध्ये आपनकर ई अनुभूति विशेष आनंदित करथिबो आपनकु मु विशेष धन्यवाद देबी आपण आमर संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क चैनल तरफ प्रस्तुत अनुभूतिर पदे कार्यक्रम को आसी आपणकर जीवनर अनुभूति आम मानकु जणैले हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करछि नमस्कार दर्शक बंधु आशा करछि आजर आमर कार्यक्रम आपणकु निश्चय भल लागथिबो उत्साहित करथिबो आउ आज तो समय सरी जाइछि आज कार्यक्रम को आम माने एठी रखिबा पुणी देखाबो आ गोटे नूतन अध्याय आउ एक नूतन अतिथि सहित सेतबेले पर्यंत आम मानकु विदाय दियंतु नमस्कार दर्शक बंधु केमिति लागिला आज कार्यक्रम निश्चय जणाइबे एवं अनुभूतिर पदे कार्यक्रम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिवे जोगाजोग निमन्ते आमर व्हाट्सअप और मोबाइल नंबर 8018611082 देखा भूलिबे नहीं यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स रे प्रति शुक्रवार संध्या 7:45 तेबे आज पाई विदाय दियंतु रहिली नमस्कार।